हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेटल डिटेक्टर के बारे में जो वाटरप्रूफ भी है, जो आपको देता है काफ़ी अच्छी डेप्थ। तो मल्टी फ्रिक्वेंसी वाला मेटल डिटेक्टर है और काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली मेटल डिटेक्टरों में नहीं मिलता है इस प्राइस रेंज में। और सबसे बड़ी बात, एडवांस और प्रो डिटेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होना इम्पोर्टेंट रखता है। चलो जानते हैं इस मेटल डिटेक्टर के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं नॉक्टा कंपनी के मेटल डिटेक्टर नॉक्टा द लीजेंड के बारे में। द लीजेंड वो मेटल डिटेक्टर है जो कि इंडिया मार्केट में अंडररेटेड रहा, क्योंकि यहाँ लोगों को इसका इतना मार्केट नहीं किया गया। काफ़ी अच्छा मेटल डिटेक्टर है जिसके अंदर आपको 4 किलोहर्ट्ज़, 10 किलोहर्ट्ज़, 15 किलोहर्ट्ज़, 20 किलोहर्ट्ज़, 40 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी मिल जाती है। ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, हेडफोन बॉक्स में आता है। ऐसा मेटल डिटेक्टर जो अगर आपके पास हो तो आप कमाल ही कर दो। काफ़ी अच्छी डेप्थ है और सबसे बड़ी बात, हल्का बहुत है ये जो मेटल डिटेक्टर है। ये बना है, इसकी सॉफ्ट बनी है कार्बन फाइबर के अंदर। कार्बन फाइबर एडर्स मैं सिर्फ इतना कहूँगा कार्बन फाइबर के बारे में, ये एक ऐसा मटेरियल है जो स्टील से 5 गुना ज़्यादा मजबूत होने का दावा किया जाता है जिसके लिए। और ये जो मटेरियल है ये मेटेलिक फॉर्म में नहीं होता है, तो कभी इसकी कॉयल मेटल डिटेक्टर की उस सॉफ्ट को डिटेक्ट नहीं करती, जो कि बल्कि दूसरी कंपनी के मेटल डिटेक्टरों में कर जाती है, उनके सॉफ्ट को डिटेक्ट कर लेती है। कई बार प्रॉब्लम होती है इससे, इसमें वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। ईजी टू यूज़ है, आप कहीं भी कैरी करके ले जाएंगे, बड़ा हल्का है, बैग में रखी ईजीली कैरी करके लेके जाया जा सकता है। डिस्प्ले पर लाइट तो अक्सर दे देते हैं, लेकिन टॉर्च लाइट भी है, वाटर प्रूफ भी है। और जो सबसे बड़ी बात करें नॉक्टा लीजेंड की, इस मेटल डिटेक्टर में आपको करना नहीं पड़ता है बेफालतू की सेटिंग्स को, बहुत बेसिक बटन से, जिससे बहुत इजीली आप कर पाते हैं। किसी भी टारगेट आईडी को आपको बंद करने का ऑप्शन मिल जाता है आपको इस मेटल डिटेक्टर के अंदर। आपको दूसरा ऑप्शन जो मिल जाता है वो ये है कि उसमें आपको मल्टीपल लाइट लेयर है, मतलब डिस्प्ले की लाइट को आपको कितना अपने हिसाब से ब्राइट रखना है वो भी आप रख सकते हो, सिर्फ यूज़ करने पर जले या सिर्फ जलती रहे, इसका भी ऑप्शन आपको करने को मिल जाता है। वाइब्रेशन है, इफ़ आपको साउंड नहीं चाहिए आप वाइब्रेशन पे चला सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको साउंड नहीं चाहिए, वाइब्रेशन नहीं चाहिए, आप हेडफोन लगा के कान पे डायरेक्ट अकेले सुन सकते हो, ये भी इसमें फ़ायदा है। फिर इसमें आपको फ्रिक्वेंसी शिफ्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, नॉइस कैंसलेशन है, ग्राउंड बैलेंस है, ऐसे कमाल के फीचर हैं जो आपकी डिटेक्शन को बहुत ईजी कर देता है। चलिए आगे जानते हैं वीडियो में इसकी सेटिंग्स के बारे में। तो दोस्तों, ये है आपका नॉक्टा लीजेंड मेटल डिटेक्टर, यहाँ इसका ब्रांड नेम, देन यहाँ मॉडल नेम आपको देखने को मिलता है। ये इसकी कुछ बटन्स है, बहुत इजी मशीन है ये, 5, 10, 15, 20 और 40 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी के साथ साइमल्टेनियस मल्टी फ्रिक्वेंसी में यूज होने वाली मशीन है। और साइमल्टेनियस मल्टी फ्रिक्वेंसी मेटल डिटेक्टर तो है, और सबसे बड़ा ईजी टारगेट है, बहुत ईजी टू यूज मशीन है। द लीजेंड ब्रांड लोगो जो भी कहो, इन्होंने बहुत बढ़िया और बहुत सिंपल बनाया है। यहाँ हमें देखने को मिलता है इसका बैटरी इंडिकेटर, या कौन सा कस्टम मोड है। यहाँ अपने हिसाब से आप टाइम भी सेट कर सकते हो, मतलब चलाते रात को अगर आप चला रहे हो, लेट हो रहे हो, टाइम घड़ी में नहीं देख पा रहे, तो इसमें देख के भी आप कर सकते हो। अच्छा चलो, ये तो बात अपनी जगह ठीक है। फिर यहाँ आपको मोड्स मिलते हैं 4। पहला मोड है पार्क मोड, फील्ड मोड, बीच मोड, गोल्ड मोड। गोल्ड मोड का मतलब गोल्ड ही ढूंढ के देगा नहीं होता है, प्लीज़ इस चीज़ को समझो। इसका मतलब होता है बहुत छोटे आइटम को, बहुत मतलब बारीक आइटम को डिटेक्शन करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ इस पेन की निब के बराबर की चीज़ को डिटेक्शन के लिए, तो अगर अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर एक और चीज़ के बारे में, तो वो बात है हमारी इस मशीन में, यहाँ हमें देखना मिलती है टारगेट आई डी इसके मोड के बाद, यहाँ आपको कौन सी फ्रिक्वेंसी आप यूज कर रहे हो वो देखने को मिलती है, जो कि इस बटन से चेंज होती है। मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, 4, 10, 15, 20, 40 साइमल्टेनियस मल्टी फ्रिक्वेंसी 1, मल्टी फ्रिक्वेंसी 2, मल्टी फ्रिक्वेंसी 3। डेट इज़ योर चॉइस कि आप किस पे चलाना प्रीफर करते हैं। थोड़ा मैनुअल पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, बाकी तो मैं बेसिक समझा ही रहा हूँ। यहाँ आप किसी भी मेटल को चालू बंद करने का हिसाब किताब इस बटन से कर पाते हैं। फिर ये सेंसिटिविटी के लिए बटन, सेंसिटिविटी इंडिकेटर है, ये टारगेट आईडी इंडिकेटर है, ये टारगेट आईडी स्केल था और ये टारगेट आईडी इंडिकेटर है, तो ये दो फर्क है। देन ये अगली चीज़ है डेप्थ स्केल, फिर उसके बाद में यहाँ आपका फेरस नॉन फेरस का स्केल यहाँ शो करता है,
इसमें प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए ये इन्होंने बनाया है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। फिर यहाँ आपको चार बटन मिलते हैं आपका ऑल मेटल ऑन ऑफ के लिए, देन उसके बाद ये आपका बटन है फ्रिक्वेंसी चेंज के लिए, एक्सेप्ट रिजेक्ट और प्रिंट पॉइंटिंग के लिए सेम बटन है, ये सेटिंग के लिए और स्विच ऑफ स्विच ऑन के लिए सेम बटन है, एक सिंगल दबाने पे सेटिंग और लॉन्ग प्रेस के लिए स्विच ऑन और स्विच ऑफ मान के चलो आप। देन ये आपका ग्राउंड बैलेंस है, ग्राउंड बैलेंस अगर मशीन कंट्रोल नहीं आ रही है अलग ग्राउंड में तो उसे इसके जरिए करते, इसका एक पूरा प्रोसेस है करने का। फिर ये आपका अप डाउन का बटन है, ये लेफ्ट राइट का बटन है। फिर अगर हम इन बटनों की बात करके आगे बढ़ते हैं तो अगली चीज़ पे जिस पे हम जाएंगे वो होगी इस बटन को प्रेस करके मशीन को समझना। सी देखिए यहाँ पे पहले सी आया, ये कस्टमाइजेबल है, देन उसके बाद यहाँ पे ए आया, दैट मीन्स कि ऑल मेटल है, देन उसके बाद यहाँ आया सिक्स, मतलब यहाँ थोड़ा नॉइस कैंसलेशन करेगी, ऑल मेटल की तरह ही ये मशीन चलेगी। और ये आपका फेरस बंद, फेरस मीन्स लोहा, आयरन, आयरन का साइंटिफिक नेम सिंबल है फेरस, ठीक है। और देन अब बोलोगे यार लाइक कि कोई गुटकी की पन्नी इस टाइप से कुछ कैच करती है तो, या कुछ और सा ट्रेस है जिसे आपको बंद करना है तो कैसे बंद करेंगे। इस मशीन में बहुत ईजी है, इस बटन को दबाओ 2 सेकंड के लिए, यहाँ ये आ जाता है, जो भी गिनती आपको बंद करनी है, जैसे 15 आपने बंद कर दी, 14 आपने बंद कर दी, 16 आपने बंद कर दी, और उसके बाद फिर इस बटन को दबाया। अब देखिए जब मैं यहाँ सी कर रहा हूँ वो यहाँ पे ये बंद है कस्टमाइजेबल पे, और कोई डिटेक्शन नहीं है, बट अगर मैं इसमें ऑल मेटल ऑन करता हूँ या सिर्फ नॉइस कैंसिलेशन करता हूँ या फेरस बंद करता हूँ तो देन फिर से डिटेक्शन हो पा रहा है इसका, मतलब इसमें कस्टमाइजेबल पे जाके आप मेटल भी किसी को भी बंद कर सकते हो, ये बंद हो जाता है, बहुत ईजी है रियली। देन उसके बाद आपका ये फ्रिक्वेंसी चेंज, 4 किलोहर्ट्स, 10 किलोहर्ट्स, 15 किलोहर्ट्स इस नीचे वाले बटन से, 20 किलोहर्ट्स, 40 किलोहर्ट्स, मल्टी फ्रिक्वेंसी 1, साइमल्टेनियस मल्टी फ्रिक्वेंसी 2, साइमल्टेनियस मल्टी फ्रिक्वेंसी 3, चूजिंग बाय यू, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, किसी भी फ्रिक्वेंसी भी चला सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। थोड़ा मैनुअल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको ये चीज़ के बारे में। देन ये देखिए ये पिन पॉइंटिंग का बटन है, इसे दबाए रखना पड़ता है इस तरीके से, लॉन्ग प्रेस करने पे एग्जैक्ट कहाँ खोदना है वो कन्फर्म करता है। ये अभी सामने कोई दूसरा मेटल डिटेक्ट कर रहा है, काफ़ी दूर दीवार है उस पर। देन अगली चीज़ आती है आपका ये ग्राउंड बैलेंस, इसे दबाते हैं इस बटन को तो ये ग्राउंड बैलेंस करता है, दबाए रखना पड़ता है, बहुत सॉफ्ट फ़र्क आपको डिस्प्ले पे 2 जगह देखने को मिलेगा। और आपको मैं बताऊं तो इसमें ग्राउंड बैलेंस करने से मशीन थोड़ा सा इजी चलती है अगर नॉइज़ ज़्यादा होती है। फिर ये अप डाउन के बटन आपके और ये लेफ्ट राइट के बटन, और सेटिंग के दौरान इसका बहुत ज़्यादा यूज है, लिटरली बहुत ज़्यादा यूज है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो कि है हमारा नॉइस कैंसलेशन, और नॉइस कैंसलेशन में देखो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मैं तो सिंगल एक बटन दबा के ऑटोमेटिक नॉइस कैंसलेशन करना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता फील्ड में क्या नॉइस आएगा और कैसा नॉइस आएगा। ये इसने 3 डिटेक्ट करा और नॉइस कैंसलेशन कर दिया। देन अगली चीज़ आती है रिकवरी स्पीड, ये मैं कम ज़्यादा अगर मैं ज़्यादा करता हूँ तो मशीन फास्ट चलाने के लिए होती है, जिसमें फर्स्ट जो ऊपर मेटल होता है उसे डिटेक्ट करता है, 2 मीटर दो मेटल के बीच के डिस्टेंस को कम डिटेक्शन कर पाता है अगर पास पास में है। अगर मैं स्लो करता हूँ तो ज़्यादा मिलती है और स्लो चलानी पड़ती है मशीन, लेकिन 2 मेटल के बीच में भी डिफ्रेंशिएशन करके आपको सेम टाइम पर बता देगी अगर दोनों 1 फिट के दरमियान रखे हुए हैं तो, अंदर रखे हुए हैं तो। देन अगली चीज़ है वो है आपका इसमें साउंड, मशीन का साउंड कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें आपको मशीन के साउंड में वेरिएशन के लिए है, अगर आप ऊपर आते हैं देखेंगे, ये एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का साउंड था, इसमें आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, 1 तरीके का साउंड, 2 तरीके का साउंड, 4 तरीके का साउंड, 6 तरीके का साउंड, जो इस 10-10 के लेवल पे साउंड चेंज हो जाएंगे। फिर 60 तक वाला
एवरी टारगेट आईडी पे साउंड अलग आएगा इस पर। मैं तो जेन्युइनली बताऊं, मेरे को 6 पे रखना पसंद है। अगली चीज़ है आपका, ये आपका साउंड फेरस का कम ज़्यादा करने का। ये देखो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने तो इसे 6 पे रखना, 6 या 7 रखूँगा। बहुत ज़्यादा साउंड भी ठीक नहीं है। फिर उसके बाद अगला साउंड, उसके बाद फिर ये अगला साउंड, मतलब हर 10-10 के लेवल पे आप साउंड चेंज कर सकते हो। फिर अगर मैं इसमें जो ये 10-10 के लेवल पे आप हर कंडक्टिविटी लेवल पे आप साउंड को कम ज़्यादा कर सकते हो, ये तो इसका फीचर है जो आपने समझ लिया। बट अगर मैं बात करूं देन अगली चीज़ की, तो ये आप देखो टोन पिच तक चेंज कर सकते हो। ऐसे ही ये साउंड से रिलेटेड इसमें कुछ सेटिंग्स हैं। फिर ये साउंड से रिलेटेड ही सेटिंग्स हैं, ये आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं फिर नेक्स्ट चीज़ पे आना पसंद करूँगा, वो है कस्टमाइजेबल। आप 3 तरीके की सेटिंग इसमें सेव कर सकते हो, अलग अलग 3 मोड पर सेव कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ इधर साइड में देखने को मिल रहा है। कस्टमाइजेबल 2, कस्टमाइजेबल 1, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 हैं टोटल इसमें। देन अगली चीज़ है इसमें, अगर मैं इसके अलावा मैं बात करूँ तो वो है आपका ये ब्राइटनेस लेवल। इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने इसे सेटिंग समझाने के लिए आपको एक अकॉर्डिंग 3 रखा हुआ है, जिसमें काफ़ी इजीली आपको डिस्प्ले दिख पा रही है मोबाइल की स्क्रीन पर। देन उसके बाद ये आपका वाइब्रेशन, मशीन भाई साहब वाइब्रेट करती है इस पर साउंड के साथ, और आपको साउंड के बिना चलानी हो वाइब्रेट करके तो आप चला सकते हैं। फिर ये टॉर्च लाइट है, ये अगर मैं 1 करता हूँ तो यहाँ ये पीछे आपको टॉर्च लाइट देखने को मिल पा रही है, और ये टॉर्च लाइट के साथ मेटल डिटेक्टर है। देन ये आपका ब्लूटूथ, ब्लूटूथ को जैसे ही 0 to 1 हुआ, 1 का मतलब ये चालू हो चुका है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा ब्लूटूथ का सिंबल, ठीक है। तो ये था, 0 कर दिया। देन यहाँ आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। अभी इसमें 12:15 12:13 हो रहा है, इसे अगर आपको चेंज करना है तो आप इसमें टाइम भी अपने हिसाब से सेटल कर सकते हैं, बट मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं करता, ठीक है। अगर लाइए मशीन को फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग करनी है तो उस चीज़ के लिए है। तो ये तो इसकी सेटिंग के लिए जो इन इंडिकेटर का यूज़ था वो था, कैसे आपको मेटल ऑन ऑफ करना है, कैसे फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है, कैसे नॉइस कैंसिलेशन करना है, वो मैंने आपको सिखा दिया है। और अब सेटिंग से हम बाहर आते हैं, तो कुछ इस तरीके से इसकी सेटिंग थी। मेन जो चीज़ है वो समझने वाली ये है, आप जिस भी मोड में चला रहे हैं, लाइक चाहे आप पार्क मोड में चला रहे हों चाहे फील्ड मोड में चला रहे हों, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है सिर्फ़ और सिर्फ आप क्या यूज कर रहे हैं। आप यहाँ से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज के लिए क्या करना है, इस बटन को 2 सेकंड के लिए दबाना है बस। तो ये इसकी सेटिंग्स थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करो, और मशीन लेनी है तो आप डायरेक्ट डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पर कॉल करके मशीन अपनी बुक कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा मेटल डिटेक्टर है, जिसमें आपको मल्टीपल फ्रिक्वेंसी मिलती है। सेम क्वालिटी सेम चीज़ को लेने के लिए आपको 90,000 से 1,00,000 खर्च करना पड़ता है, इसमें आपको 90 से 1,00,000 रुपये के बीच में खर्च नहीं करना पड़ता।